हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जब आप डीजीपे में लॉगिन करने के प्रयास कर रहे हैं तो सभी भीएलई भाइयों को एक दिक्कत आ रही है। जब आप फिंगरप्रिंट लगा रहे हैं तो वहां पर डिवाइस ऑथराइज का प्रॉब्लम आ रहा है। फ्रेंड, वहां पर आपको शो हो रहा होगा डिवाइस ऑथराइजेशन फेल्ड, प्लीज़ ट्राई विथ ए वैलिड टर्मिनल। तो फ्रेंड, इस समस्या को आप किस प्रकार ठीक कर सकते हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हुआ यूँ है कि डीजीपे अपडेट हुआ है जिसमें एक नया फंक्शन मिनी स्टेटमेंट का जुड़ा है। फ्रेंड, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल अपने डीजीपे एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देना है। फ्रेंड, अनइंस्टॉल करने के बाद फ्रेंड आपको फिर से प्ले स्टोर पे जाके इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए, हम प्ले स्टोर पर आ गए हैं और यहाँ पर डीजीपे 3.6 MB का है, तो इसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो वेट करेंगे फ्रेंड, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। फ्रेंड, इस प्रकार वेट कर लेते हैं इंस्टॉल होते तक। तो फ्रेंड, हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है, तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद फ्रेंड, यहाँ पर डिवाइस लोकेशन परमिशन मांग रहा है, तो आप इसे अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद फ्रेंड, आपको ऊपर में CSC ID इंटर कर देंगे, जो भी आपका CSC ID है। उसके बाद यहाँ पर टर्म और कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे फ्रेंड, और उसके बाद फ्रेंड आप नीचे में देख सकते हैं, आप OTP मोबाइल पर लेना चाहते हैं, ऐप पर लेना चाहते हैं, या मेल पर लेना चाहते हैं। तो चलिए, मैं OTP मेल के थ्रू लूँगा, तो मैं OTP इन ईमेल पर क्लिक कर देता हूँ, और उसके बाद जनरेट OTP इन ईमेल पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद फ्रेंड, यहाँ पर मेरे जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर OTP आ चुका है फ्रेंड, तो चलिए इंटर कर देते हैं। OTP इंटर करने के बाद फ्रेंड, यहाँ पर कुछ टर्म और कंडीशन है, तो इसे एक्सेप्ट करेंगे और स्कैन पर क्लिक करके अपना बायोमेट्रिक मशीन पर थंब को स्कैन करेंगे, उसके बाद यस कर देंगे फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए, अब डीजीपे अपना CSC ID डालकर आसानी से लॉगिन हो सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड, OTP के लिए आ चुका है, तो OTP इन मोबाइल, तो मैं सिंपल जनरेट OTP इन मोबाइल पर क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर OTP आ चुका है 21 74 14। और इस प्रकार फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हैं, सक्सेसफुली हमने DGPA में लॉगिन कर चुके हैं, DGPA ओपन हो चुका है फ्रेंड। और यहाँ पर एक नया फंक्शन आप देख सकते हैं मिनी स्टेटमेंट का जुड़ा है फ्रेंड, इसी कारण ये एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रहा था। यहाँ पर पहले से आपको मिनी स्टेटमेंट देखने को नहीं मिल रहा था फ्रेंड। तो कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।